हेलो एवरीवन, दिस इज अमन प्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोइस्टिक्स। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो कैसे काम करते हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप इस आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक LED और रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उसकी कलर कोडिंग डिस्कस करी थी कि कैसे हम बिना मल्टीमीटर से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, जरूर देखिएगा। आप चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस वोल्टेज पर एक LED के साथ हम कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं ताकि वो अपनी फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर सके और वो बर्नआउट भी ना हो। बिकॉज हम जब भी LEDs को यूज़ करते हैं किसी सर्किट में तो वहाँ पर हम एक रैंडम रेजिस्टेंस लगा देते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से या तो वो LED अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ ग्लो ही नहीं कर पाती या फिर वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाती है क्योंकि उसको जितना रेजिस्टेंस चाहिए था वो एग्जैक्ट हमने नहीं दिया। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि उस रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें ताकि उस LED को इंटेंसिटी भी पूरी मिल सके और वो बर्न आउट भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। LED और रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटे से सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और इस रेजिस्टेंस के साथ एक LED। यहाँ पे LED लग गई। सर्किट को कम्प्लीट करने के लिए ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जोड़ दिया। तो एक छोटा सा सर्किट है, एक बहुत ही कॉमन सर्किट जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक LED है। इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कुछ करंट को अपोज करेगी और ये LED ग्लो करेगी। अब हमें इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस हमें कितनी चाहिए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो कि ओम्स लॉ में से ही ड्राइव हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ओम्स लॉ के बारे में आपको पता होगा, जो कि होता है V=IR, यानी कि हमारी जो वोल्टेज है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस फॉर्मूले का अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए तो ये बन जाता है R=V/I, यानी कि रेजिस्टेंस जानने के लिए हमें वोल्टेज और करंट ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हमारे इस केस में वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं, एक तो बैटरी की वोल्टेज है, हम यहाँ पे जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो जनरल पर्पस 9 वोल्ट बैटरी है, और इस LED की वोल्टेज हमें पता होनी चाहिए। अब अगर हमने दो चार LEDs मार्केट से परचेज करी हैं तो उसके साथ उसकी डाटा शीट तो हमें मिली नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्रेडबोर्ड और एक कोई भी रैंडम वैल्यू का रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस जिससे LED ग्लो कर सके। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक LED है जो कि मैं रेड कलर की LED यूज़ कर रहा हूँ, एक कॉमन LED है कि हर LED का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। तो अगर आपको किसी भी LED का फाइंड आउट करना है तो उसके अक्रॉस आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि रेड LED का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 1.6 से लेके 2 वोल्ट्स के बीच में होता है, और जो ग्रीन LED का वोल्टेज ड्रॉप है 1.9 से लेके 4 वोल्ट्स के बीच में हो सकता है। तो अभी मैंने रेजिस्टेंस के साथ ही LED कनेक्ट कर दी है। अब इसके अक्रॉस मैं ये 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूँगा जो जनरल पर्पस बैटरी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करूँगा और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं LED के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये सेम सर्किट बन गया है जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था, वो हमने ब्रेडबोर्ड के ऊपर बना लिया है। अब हमें इस मल्टीमीटर की हेल्प से इस LED के अक्रॉस वोल्टेज चेक करनी है। इस मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट्स की स्लैब पे फिक्स कर दिया है। तो अगर मैं इसको LED के अक्रॉस कनेक्ट करूं, तो यहाँ पे ये इसकी वोल्टेज दिखा देगा 2.01 वोल्ट। ये जो 2.01 वोल्ट है ये इस LED की ऑपरेटिंग वोल्टेज है,
यानी कि इस एलईडी को ग्लो करने के लिए मिनिमम इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमारे पास दो वोल्टेजेस आ गई हैं, हमारे पास एलईडी की वोल्टेज भी आ गई और ये बैटरी की वोल्टेज भी आ गई है। तो ये हमारे पास जो वी था ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी एस यानी कि सोर्स वोल्टेज जो कि बैटरी की वोल्टेज है, माइनस लोड वोल्टेज वी एल जो कि एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप है, बाय करंट। जो अलग अलग कलर की एलईडीज होती हैं उनका करंट फ्लो भी अलग होता है, लेकिन उनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो इस एलईडी का अगर हमें करंट चेक करना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर सकता है या फिर करंट ड्रॉप इसका कितना है, उसके लिए भी हम सेम ऐसा ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हमें करंट भी पता चल जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे वी एस और वी एल की वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू वी एस हमारे पास 9 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट जो कि इस एलईडी का ड्रॉप है, करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम करंट फाइंड आउट करके वो भी यहाँ पे फिल कर देंगे। तो वही सर्किट आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन एलईडी को थोड़ा यहाँ पे दूर लगा देता हूँ मैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बट एलईडी और रेजिस्टेंस अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है क्योंकि करंट चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को उसकी सीरीज में कनेक्ट करना होता है। इस मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे 200 मिली एम्पीयर्स के सेक्शन पे सेट कर देता हूँ बिकॉज इसका जो करंट होता है जनरली अराउंड 20 मिली एम्पीयर होता है, तो हो सकता है वो 20 मिली एम्पीयर वाली स्लैब को एक्सीड कर जाए, इसलिए मैं 200 मिली एम्पीयर्स पे इसको सेट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इन प्रॉब्स को रेजिस्टेंस और एलईडी के बीच में कनेक्ट करूँ तो एलईडी ग्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो हमें करंट शो हो रहा है वो हो रहा है 16 मिली एम्पीयर, यानी ये 20 से कम है। अगर हम 20 पे भी सेट करें तो वहाँ पे भी ये शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं 15.57, इसको राउंड ऑफ करके वो 16 मिली एम्पीयर शो कर रहा था, तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको, 16 मिली एम्पीयर काउंट कर सकते हैं। तो हमें करंट भी पता चल गया है, वोल्टेज भी पता चल गई है। अब हम अपने फॉर्मूला में इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 16 मिली एम्पीयर्स, बट हमें इस फॉर्मूला के लिए जो करंट चाहिए वो एम्पीयर्स में चाहिए होता है क्योंकि करंट यहाँ पे हम एम्पीयर में कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। 1000 के साथ अगर हम डिवाइड करें या फिर यहाँ पे हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स को अगर आप सॉल्व करें, डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो वो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें, 9 - 2 7 * 1000 / 16, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें इज इक्वल टू 7000 / 16। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इसकी 437.5, ये जो वैल्यू है ये हमारी ओम्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू है कि हमें इस एलईडी के साथ 437 ओम की रेजिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप किसी और एलईडी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कोई और एलईडी लेके उसका आप ड्रॉप चेक कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन से जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो आई है 437 ओम अप्रॉक्सीमेटली। बट 437 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इसको इसके आसपास का जो भी रेजिस्टेंस अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 470 ओम का जनरली अवेलेबल रहता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी टॉलरेंस भी होती है, 5 to 10% इनकी टॉलरेंस भी होती है, ये कम ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो 437 की जगह अगर आप 470 भी यूज़ करेंगे तो भी आपकी एलईडी आसानी से बिल्कुल प्रॉपर ग्लो करेगी। अब अगर यही हम किसी और वोल्ट के लिए कैलकुलेट करना चाहें, फॉर सपोज हमारे पास जो 220 वोल्ट एसी आती है घरों में, 220 वोल्ट इसके साथ हम एक एलईडी को चलाना चाहते हैं, तो उसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। लाइक जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, आर इज इक्वल टू वी एस बाई
VL by I. इसमें अगर हम 220 माइनस 2 बाय 16 मिली एम्पियर यानी कि 218 इंटू 1000 बाय 16 इसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो सॉल्व करके जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो समथिंग होगी 136.25 ओम. इसको अगर हम ये ओम्स में है इसको हम अगर किलो ओम्स में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम 1000 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं यानी कि 13.625 किलो ओम. यानी कि इस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं. अब 13K का रेजिस्टेंस भी हमें इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा तो इसके आसपास का जो भी अवेलेबल मिले हम उसको यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से हमारे पास कोई भी LED हो कोई भी वोल्टेज हो उसके लिए हम अपनी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो LED हमारी किस वोल्टेज पे अपनी प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ कैसे ग्लो करेगी उसके साथ हम कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं. अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं. इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.